आज का दंगल देश की राजनीति में जाति पर हो रहे घमासान को लेकर है, क्योंकि बजट सत्र में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बजट के हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाकर अफसरों की जाति पूछ ली थी। आरोप लगाया था कि हिंदुस्तान का हलवा बटा तो उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी कोई अफसर नहीं था। दरअसल राहुल गांधी जाति गणना के मुद्दे को उठाना चाहते थे और सदन में चैलेंज भी किया था कि इसी सदन में जाति गणना का बिल वो पास कराकर दिखाएंगे। उनके भाषण के बाद बीजेपी की बारी आई तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी पर हमलों की बौछार कर दी। इसी दौरान अनुराग ठाकुर ने जाति की बात भी छेड़ दी। हालांकि अनुराग ठाकुर ने तब किसी का नाम नहीं लिया था, फिर भी उनके भाषण के अनुचित हिस्से को एक्सपंज कर दिया गया। लेकिन जाति पर यह सियासी बात तब और आगे बढ़ गई जब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ करते हुए पोस्ट कर दिया और कहा कि इसको जरूर सुना जाना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। उधर बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव हर जगह लोगों से उनकी जातियां पूछते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर देश की जनता की जातियां गिनना चाहते हैं, तो फिर अपनी जाति बताने पर इतनी आपत्ति क्यों है? वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछ ली। बीजेपी कह रही है कि अव्वल तो जाति पूछी नहीं और पूछ लिया तो फिर बताते क्यों नहीं। तो ऐसी ही घमासान जुबानी सियासत जाति पाति को लेकर जारी है, लेकिन इस लड़ाई में जातीय गणना का मुद्दा पीछे छूटता दिख रहा है, जिसमें विपक्ष का सवाल है कि आखिर पिछले 13 साल से देश में कोई जनगणना क्यों नहीं हुई, बिना आंकड़ों के सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाएं कैसे बनाई और चलाई जा रही हैं। और सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष जाति की गिनती का मुद्दा सिर्फ आरक्षण की राजनीति चमकाने और सत्ता पाने के लिए कर रहा है। ऐसे तमाम सवालों पर विपक्ष और पक्ष के मेहमानों के साथ दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जाति जनगणना, इसकी जात का पता नहीं, जाति जनगणना आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? संसद का सत्र बजट के नाम पर चल रहा है, राजनीति के क्षितिज पर जाति का रंग तैर रहा है। जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना। जब देश की संसद में लोकसभा के नेता विपक्ष के लिए जाति सबसे बड़ा मुद्दा है, तो बाकी नेताओं को उस मुद्दे के साथ रहना मजबूरी। जाति कैसे पूछ ली बताइए। जाति। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी देश में जाति गिनती की मांग कर रही है। सत्ता में, सरकार में, रोजगार में, नौकरी में, मीडिया में, अदालत में, बैंक में, अस्पताल में, यहां तक कि सड़कों पर, रैलियों में, सभाओं में, हर जगह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता जाति पूछते चल रहे हैं। इसी जात पर बात बढ़ी तो संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर सीरियल सियासी अटैक कर दिए। फिर क्या था, अपमान का घमासान छिड़ गया। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। जात पर सियासी घात की बात तब और आगे बढ़ गई जब पीएम मोदी ने लोकसभा में दिया अनुराग ठाकुर के भाषण को हास्य और तथ्यों का शानदार मिश्रण बताते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा सोशल मीडिया पर कर दी और कहा कि इसे जरूर सुना जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे डाला। कांग्रेस ने संसदीय प्रक्रिया और नैतिकता का सवाल उठाया कि जब अनुराग ठाकुर के भाषण के कई हिस्सों को स्पीकर ने आपत्तिजनक मानते हुए कार्यवाही से हटा दिया था, तो पीएम ने उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे किया? हमने कहा है कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया था, प्रिविलेज कार्रवाई शुरू की। आपको लगता है एक्सेप्ट हो जाएगा ये? अरे वो तो इन मेजोरिटी वाले नहीं करेंगे, लेकिन मेरी फर्ज बनता है जो गलत हुआ है उसको मैं आगे लेकर। तो जाति पर राजनीति की एक कहानी संसद में चल रही है, दूसरी जुबानी वार पलटवार के स्तर पर है, जहां देश में जाति गणना के असली मुद्दे से हटकर राहुल गांधी की जाति को लेकर लड़ाई चालू है। सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहां जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है। कई बार ऐसी भी जातियां हैं जिनको किसी भी पद पे अगर वो पहुंच जाएं, कई बार उन्हें अपमानित होना पड़ता है। मैं भी पूछता हूं, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? ये गोली मारने वाले हैं ना, उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको 4 बार सोचना पड़ेगा। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। कुछ ही दिनों के लिए हैं सरकार में और फिर विपक्ष में बैठने की भूमिका इनको निभानी है, तो उसी का फ्रस्ट्रेशन के चलते इस तरीके का हंगामा हो रहा है, जाति पूछी जा रही है, धर्म पूछा जा रहा है। इधर जाति पर बयानबाजी वाली राजनीतिक झड़प चल रही थी, उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी अलग ही अटैक कर रही थी।
क्योंकि अनुराग ठाकुर जब संसद में राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने ही सबसे आगे बढ़कर अपनी आवाज बुलंद की थी। समाजवादी पार्टी ही एक धोखा है, उनका पासवर्ड काम नहीं आ रहा ना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। इन जुबानी वार पलटवार के बीच असली मुद्दा गायब ही होता दिख रहा है, जिसमें सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता जाति गिनती की मांग कर रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की मांग भले ही वोट बैंक के नजरिए से सत्ता तक पहुंचने का सियासी हथकंडा करार दिया जा रहा हो, लेकिन सवाल ये भी है कि 2011 के बाद देश में आम जनगणना भी क्यों नहीं कराई जा सकी है, और आखिरकार सरकार किन आंकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का निर्धारण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन कर रही है। आज तक ब्यूरो। इस देश में जाति है कि जाति ही नहीं। आजादी के बाद बनी फिल्मों के गाने आप सुन ले, मौजूदा वक्त के गाने आप सुन ले, हर जगह जाति धर्म का जिक्र होता है और नेता जिस तरह से हर जगह जाति जाति कर रहे हैं उसने इस देश के सामने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। लेकिन जाति ना पूछो नेता की, ये कार्यक्रम का आज हमने नाम रखा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। चितरंजन गगन जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी, स्पोक्स पर्सन SBSP के हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही के शर्मा जी शुरुआत करते हुए, अब अनुराग ठाकुर की ओर से जो जाति पूछी गई है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, माफी की मांग कर रहा है विपक्ष, कह रहा है इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे पूछ ली। अच्छा चित्रा जी, बहुत आश्चर्य है कि राहुल गांधी यदि हलवा बांटते समय लोगों को ये पोस्टर दिखा के सदन के अंदर ये दिखाते हुए हलवा बांटने का, और ये पूछें कि इसमें किन किन जाति के लोग हैं, तो ये तो सही है, लेकिन राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली जाए तो वो गाली है। बहुत आश्चर्य है, क्या है राहुल गांधी, शाहजादे हैं कि इस देश की, ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जिनसे कोई उनकी जाति नहीं पूछ सकता। आपको अधिकार है कि आप दूसरे की जाति पूछे, आप दूसरे की जाति पूछ सकते हैं, आपकी कोई जाति पूछ ले तो गाली हो गई। अरे तो संसद के बाहर पूछे ना, वो कह रहे हैं कि संसद के भीतर आपने कैसे पूछ ली? ये संसद के अंदर पूछा ना इतने लोगों की, मैं ये संसद का फोटो दिखा रहा हूं, इस पोस्टर को दिखा के पूछा ना कि यह हलवा बांटने वाले जो लोग हैं और जो हलवा खा रहे हैं इनकी जातियां क्या है, ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, वो आसमान से उतरे हैं राहुल गांधी। तो नेता ये की बात हो रही है ना, वो एलओपी है, वो एलओपी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है। नहीं तो एलओपी जाति पूछने की क्या जरूरत है, क्या आप लोगों को जानकारी नहीं है? वो कह रहे हैं मजाक बनाने का काम किया गया है अनुराग ठाकुर, और वो जो मजाक बना रहे थे एलओपी है, तो क्या उनको जो है अलग से शक्ति प्राप्त है, जो संसद के कानून उन पे लागू नहीं होंगे, वो अलग से हैं, वो शाहजादे हैं। राहुल गांधी की जाति जानकर क्या हो जाएगा, क्यों आप नहीं बताइए पहले। क्यों नहीं शर्मा जी, आप दूसरों की जाति पूछने का आपको अधिकार कैसे है, आपको कैसे अधिकार है दूसरे की जाति पूछने का? चित्रा जी, दूसरे को यदि गाली देने का आप देते हैं तो गाली सुनने का मादा भी रखिए, धैर्य भी रखिए गाली सुनने का। यदि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, और ये यदि बता सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये हिंदू है और ये हिंदू नहीं है, तो ये भी पूछने का अधिकार है कि आप हिंदू हैं या नहीं, आप फारसी हैं या ईसाई हैं, आपको अपना धर्म भी बताना पड़ेगा। दूसरों से पूछने की ताकत तब है जब आप अपनी बात बता सके, तो वो आप कैसे सर्टिफिकेट बांट सकते हैं? शर्मा जी, वो कहां धर्म छुपा रहे हैं भैया, जब सांसद के लिए कागज भरते होंगे तो उसमें लिखते नहीं होंगे, जब नॉमिनेशन के लिए व्यक्ति जाता है उसमें लिखता नहीं है। मैं अभी कहता हूं, चुनौती देता हूं, आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं सर, उनको बताना चाहिए देश के सामने कि मेरा धर्म क्या है, वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं है, वो हमें सर्टिफिकेट देने वाले हैं। दूसरी बार, हाँ। एक बार नहीं, चलो हाँ। एक बार आपने कह दिया, आपको उसके लिए इतना कुछ सुनना पड़ा कि हिंदू हिंसक है, फिर आप वहां पर लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। कल के भाषण, परसों के भाषण में क्या बोला उन्होंने, जाति पर तो उठाया प्रश्न, हिंदुओं पर भी प्रश्न उठाया। ठीक, मैं है। आपको एक मिनट, मैं एक पॉइंट आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं, ये उनके भाषण है, इस भाषण का 366 नंबर पेज, इस पेज में वो क्या कहते हैं, ये भाषण है उनका जो उन्होंने दिया है सदन के अंदर में। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता, ठीक है साहब,
आपकी जो है ज्ञान का अपरंपार ज्ञान है, कहां शिव की बारात और कहां चक्रव्यूह। लेकिन आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने इतिहास को देखिए। किसका इतिहास? उनका इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास बता रहे हैं हिंदुओं का। आप अपने आप को हिंदू कहते हो, ये कौन है राहुल गांधी? वो तो बीजेपी को बोलने वाला कौन है राहुल गांधी? तो वो बीजेपी को बोल रहे थे ना क्या? अरे आप अपने वो आपका इतिहास क्या है वो बीजेपी के लिए बोल रहे थे। हिंदू कौन है? ठीक है, हिंदू कौन है? बीजेपी हिंदू है। इस देश का 100 करोड़ नागरिक हिंदू है। ठीक है, अब मैं जवाब ले उसको गाली बकेंगे सदन के अंदर। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। आप उनको गाली बकेंगे सदन के अंदर। जातिगत गणना की भी बात उनकी ओर से बार बार कही जा रही है, मैं सवाल बनाऊंगी। ठीक है, एक बात ठीक है, ठीक है। अब मैं बाकी लोगों के पास जाना है जल्दी से। अपने घर में जो भी असभ्यता यानी साबित करते हो कीजिए, आपके बाप माँ सहते होंगे आपकी असभ्यता। ठीक है, बाप देश नहीं सहेगा इसको। ठीक है, मनोज यादव जी अब सीधे आपके पास आते हैं। देश नहीं सहेगा और सदन नहीं सहेगा। जाति गणना की बात होती है, जाति 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 हर जगह जाति जाति सब लोग करते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप लोग हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या कोई भी हो। भैया तो पूछ ही लिया कि जाति क्या है, तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों? जब जाति गणना आप करवाएंगे तो अधिकारी या कर्मचारी जब हमारे दरवाजे जाएंगे आम लोगों के, तो वो पूछेंगे बताइए आपकी जाति क्या है। तो जब आम जनता इस सवाल का जवाब देगी, तो फिर नेता जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे यह सवाल पूछ लिया, तो फिर इतनी ज्यादा तिलमिलाहट किस बात की है? मनोज यादव जी, बिल्कुल चित्रा जी, बड़ा वाजिब सा सवाल पूछा है आपने, और मैं तो शर्मा जी की मतलब एग्रेसिवनेस से बड़ा परेशान हूं। मतलब किस बात के लिए इतना एग्रेसिव हो रहा है? मोदी जी ने अगर ट्वीट कर दिया है अनुराग ठाकुर के उस बयान को, तो आप बहुत एग्रेसिव हो गए। आपको लगता है आप बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक ढांचे पे आ गए। माफ़ करिएगा, ये शायद ये व्यवहार ठीक नहीं है, दुनिया देख रही है। जाति ना पूछो नेता की, पूछ लीजिए सवाल। सवाल पूछिए ना, हम तो आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं ना। और जब सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देने में क्या हर्ज है भाई? क्या पूछ रहे हैं आपसे? जाति जनगणना कब कराएंगे? जनगणना कब कराएंगे? डबल इंजन की सरकार, विश्वगुरु वाली सरकार, सब कुछ तो है आपके पास, फिर क्यों नहीं? और फिर अगर हम जाति गणना की बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों? के शर्मा जी, आपको घोड़ी चढ़ने से रोका कभी किसी ने? आपके परिवार को रोका गया? बीजेपी के तमाम सारे नेताओं के परिवार को रोका गया? चित्रा जी, इनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ मोच रखने पे, ऐठ वाली मोच रखने पे। मनोज यादव जी, मैं पूछ रहा हूं, मैं इसीलिए क्यों, जाति क्यों महत्वपूर्ण? हां, जाति अगर इस तरह की स्थिति कोई पैदा करता है, आप मेरी बात सुनिए मनोज यादव जी, अगर इस तरह की स्थिति किसी दलित दूल्हे को घोड़े से उतारा जाता है, यह अपराध है, और जो भी इस तरह का कृत्य करता है उसकी जगह जेल के भीतर होनी चाहिए, यह अपराध है। इस तरह की मानसिकता के लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। एक सेकंड शर्मा जी, मेरा यह सवाल है, अगर आप जाति पूछेंगे आम जनता की, जाति गणना करवाएंगे, तो फिर अपनी जाति बताने पर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? मनोज जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल हाँ हाँ, नहीं आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन के शर्मा जी ने इतनी मतलब एग्रेशन के साथ बात कही, तो मैं कम से कम नॉर्मल तरीके से उनको रिप्लाई तो कर ही सकता हूँ, इतना समय तो मिल ही जाए। हाँ चित्रा जी, मैं बिल्कुल कहूँगा, मोच रखने पे किसको मारा गया? बीजेपी को लोग बताएं, आरएसएस हाँ। के लोगों को मोच रखने पे मारा गया, घुमाऊदार हाँ। चंद्रशेखर रावण की तरह, या जिस जैसे भी लोग हैं उनकी तरह। हमको एक उदाहरण बता दें तो, जाति अगर जाति गणना कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इस देश के अंतिम व्यक्ति को कम से कम कोई कुछ कह ना पाए, और सिर्फ जाति गणना नहीं होगी मनोज जी, फिर क्या रुक जाएगा जाति गणना करने पर? कितना पैसा, ये जो मानसिक बीमारी है, अगर दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, ये तो मानसिक बीमारी है ना, जो लोग नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो क्या जाति गणना करने से हट जाएगी? बिल्कुल हटेगी। बड़ी बीमारी है तो 1931 के बाद इस देश में जाति गणना क्यों 2011 में होती है? आप लोगों की भी सरकार रही है ना शामिल, मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं आंकड़े जारी किए गए? मनोज यादव जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने एक सेकंड सर, हमने सवाल का नाम रखा है, के शर्मा जी को भी मैंने तीन बार क्रॉस क्वेश्चन किया था, आपसे भी सवाल पूछ रही हूं मनोज जी, अगर आप आम जनता की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? मनोज जी, तीसरी बार ये सवाल पूछ रही हूँ मैं। चित्रा जी, क्या सदन 2011 में जब जाति गिने थे तो बताए क्यों नहीं आप लोग सरकार में शामिल थे? जवाब देने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज रिप्लाई। बोली बोली, मैं आपसे ये पूछ बता रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ, दोनों चीजें, कि क्या सदन में भगवान शिव की तस्वीर लहराना मना, सदन में तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल करना मना, तो सदन में किसी की जाति क्यों पूछी जाएगी? क्यों पूछी जाएगी भाई? और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं
कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? नरेंद्र मोदी जी को भी तो दिखना चाहिए कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री और जो बजट बन रहा है, जो हलवा बट रहा है, वो मेरे पिछड़े लोग नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी को दर्द नहीं है, राहुल जी को दर्द है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दर्द है, विपक्ष के नेताओं को दर्द है, तो फिर ये सवाल क्यों? आपको ना हो तो ना हो, क्योंकि आपकी मानसिकता नागपुर की हो सकती है। आप हिंदू बनाना चाहते हो लेकिन सम्मान देना नहीं जानते हो, 5 किलो राशन देना चाहते हो लेकिन उसके बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहते हो, तो हम तो सवाल पूछेंगे। हमको जनता ने इसीलिए भेजा है। अरे जाति गणना से बेहतर शिक्षा कैसे हो जाएगी? कैसे कैसी बातें करते हैं मनोज यादव जी आप लोग। शिक्षा बेहतर तब होगी जब स्कूलों की स्थिति को आप सुधारेंगे। जहां जहां सरकारी स्कूलों में जिस तरह की कड़ान है, ठीक है, नहीं नहीं मैं फिर आपसे सवाल पूछूं मनोज जी, 2011 में यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब जातिगत गणना करवाया था करोड़ों रुपए खर्च करके, वो आंकड़े अगले 3 सालों तक जब तक उनकी सरकार थी वो जारी क्यों नहीं किए गए? इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं शर्मा जी, मुझे पता है बहुत बोलना चाह रहे हैं आप। एवं मनोज जी बताइए इस सवाल का जवाब जल्दी से। आप लोग थे ना सरकार में। चित्रा जी, अगर वो जाति गणना के आंकड़े सरकार के पास रखे हैं तिजोरी में, तो क्या उसकी चाबी विपक्ष के पास है? मैं पूछ लूंगी ना अभी के शर्मा जी से। वो 3 साल क्यों छिपा के रखा था? उस मांग हम मांग करते हैं, उस तिजोरी को खोल के जाति गणना के 11 के आंकड़े आप रख दो। हम कहें कांग्रेस में गलती की लगता है, देश का पैसा लगता है और बीजेपी की गलती कर रही है सरकारें। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बीजेपी की गलती कर रही है। ठीक है, बीजेपी क्यों छिपा रहे हैं शर्मा जी? और क्या दिक्कत है जातिगत जनगणना? देश के सामने आंकड़े तो आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत क्या है बीजेपी को गणना करवाने में? तो पहली बात, मेरे एग्रेशन का कारण यह है कि आप सदन में बैठ के एक धर्म विशेष को और 100 करोड़ भारतीयों के, यदि आप इनके ही शब्दों बकौल इनके शब्द कहूं तो गाली दे रहे हैं, तो ये मेरा एग्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक हिंदू भी हूं स्वाभाविक रूप से। जिसको इन्होंने गाली कही है, जाति पूछना दी गाली है, धर्म पूछना गाली है, तो हमको सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? तो ये गाली ही दे रहे हैं ना आप हमको, इसलिए मेरा एग्रेशन है। खैर, दूसरी बात, कल जो अखिलेश यादव वहां पर बड़े चिल्ला के पूछ रहे थे कि जाति मत पूछो, जाति कैसे पूछ लिया, तो आप पत्रकारों की जाति जब पूछते हैं तब ये दोहरा चरित्र कहां से आता है आपका? पत्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो आप उससे, अखिलेश यादव पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तब ये प्रश्न नहीं आते? मुंह में दही जम गई थी जब वो हलवा बांटने वालों की जाति पूछ रहे थे, तब अखिलेश यादव की मुंह में दही जमी हुई थी, तब उनको जाति समझ नहीं आ रही थी? से रोका गया। तीसरी बात, अब बीच में मत बोलिए, अब मैं पूरी बात कर लेता हूं। 2011 में जब जनगणना हुई उसके बाद 3.5 वर्ष तक आप उस सरकार के साथ रहे कांग्रेस के, आपकी बोलती बंद रही, आपने एक शब्द नहीं बोला, ना आपने जातिगत जनगणना की आंकड़े बाहर करने की बात की। और दूसरी बात, आप जातिगत, आप ओबीसी के जो लंबरदार बन रहे हैं, आप जो है जब सरकार में थे 2012 में, आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा ओबीसी के लिए? आपने प्रमोशन में आरक्षण की बात की एससी एसटी की, आपने उसको समाप्त किया एससी एसटी के आरक्षण को, और 15% आरक्षण मुसलमानों को देने का वादा किया धर्म के आधार पर, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। 15% आरक्षण आप मुसलमानों को देंगे? बाकी मैं ओबीसी को नहीं देंगे? ठीक है, दोनों लोगों की बात हो गई। आयोग की बात आएगी गगन जी, ओबीसी का तो आप विरोध करेंगे सदन के अंदर में, चित्रंजन, और मुसलमानों को 15% आरक्षण की घोषणा करेंगे अपने घोषणा पत्र में? तब दलित कहां गए? तब ओबीसी कहां गए? ओके के शर्मा जी, उनको चुप कराइए, उनको चित्रंजन गगन जी। मेरा ये सवाल है, जाति गणना जब बिहार में करवाई गई थी, घर घर जाकर जाति पूछा गया था, नेताओं से पलटकर अगर जाति पूछते, ठीक है एक नेता ने पूछा, लेकिन आम जनता का भी यह सवाल हो सकता है, अगर पलटकर पूछ लिया गया, ठीक है वो संसद भवन है, क्या दिक्कत हो गई? जब आप आम लोगों से इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं तो नेता लोग अपनी जाति बताने में इतना ज्यादा क्यों व्याकुल हो जाते हैं? नहीं, चित्रा जी, ये जो ठाकुर जी जो थे, ठाकुर जी पार्लियामेंट में जाति जनगणना कर रहे थे क्या? कर्मचारी थे, जाति जनगणना कर रहे थे। देखिए, ऐसे कुछ कहना और व्यंग के रूप में कुछ कहना, दोनों दो चीज होता है। मेरी जाति लोग जानते हैं, हमको तो बचपन से लोग बाबा 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 प्रणाम करता है, हमको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन हमसे भी कोई अगर जानने वाला हमसे अगर कहता है कि बताओ तुम किस जाति के हो, तो तकलीफ होती है, उसे गाली के रूप में समझा जाता है। तो यह जो तो फॉर्म लेकर जब जाएगा और उससे पूछा जाएगा बताओ कौन सी जाति के हो, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी गगन साहब? नहीं, नहीं,
भाजपा के बिहार में आप लोगों ने किया है ना, लोगों को क्या महसूस हुआ होगा? चित्रा जी, मेरे गरीबों के घर जब आप गए होंगे और पूछे होंगे, उनका घर होगा झोपड़ी का, दो चार बर्तन रखे होंगे, गरीबी तो वैसे ही दिख रही होगी ना, लेकिन जब पूछते होंगे बताओ तुम्हारी क्या जाति है, क्या बीतती होगी उसके ऊपर? जाति जनगणना हो रही थी क्या? पार्लियामेंट में जाति जनगणना हो रही थी ठाकुर जी, कर्मचारी तो थे जो वहाँ पर जाति जनगणना कर रहे थे। हाँ, नहीं, नहीं, तो जाति गिनती बाहर जायज हो, पार्लियामेंट में पूछ लिया जाए तो गलत कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, दोनों मैंने कहा कि क्या पार्लियामेंट बोला है? और शुरुआत तो महोदय राहुल गांधी जी ने ही की थी ना, देखिए वो एलओपी हैं, अच्छा भाषण दे रहे हैं, सारी चीजें एक जगह हो सकती हैं, लेकिन ये जब जो ये तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें वो अधिकारियों से पूछ रहे हैं कितनी जाति वाले कौन से लोग हैं, तो ये पार्लियामेंट का ही है ना, वाले कौन सी जाति के हैं? जब ये सवाल आप पूछेंगे तो आपसे भी तो पूछ लिया जाएगा साहब। भाजपा के लोग शुरू से इनका चरित्र रहा है, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, और हर बात में हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, हर बात में, जैसे कि 100 करोड़ हिंदू का ठेकेदारी इन्हीं को मिल गया है, शर्मे जी को मिल गया पूरे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के हिंदू का ठेकेदारी, और हर बात में हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अच्छा, और हर गंभीर मसले को भी, जातीय जनगणना एक गंभीर मसला है और बिहार में हुआ है, उसका परिणाम सामने आया है, किस ढंग से जो आंकड़े आए हैं आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं। क्या है? और उसके बाद आश्चर्यचकित करने वाले कौन से आंकड़े हैं? आंकड़े हैं कि अभी भी आजादी के इतने दिनों के बाद भी कौन से लोग आज भी विकास के रोशनी से दूर हैं, किन लोगों तक कभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, इसीलिए जातीय जनगणना कराना आवश्यक है। अब दिखा रहे जाति की गिनती बिहार के सर्वे में, क्या क्यों नहीं पहुंची? 35 सालों से ओबीसी मुख्यमंत्री है वहां पर, क्यों नहीं पहुंची गगन साहब? चित्रा जी, कोई भी समस्या जब आती है तब उसका समाधान का रास्ता खोजा जाता है। चित्त भी मेरी पट, ऐसा भी होता है कि संभावित समस्या का समाधान का रास्ता खोजा जाता है। अभी दलितों की बहुत बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद किया गया, नहीं नहीं, जब समस्या आने के बाद महसूस किया गया कि क्योंकि इतने दिनों के बाद भी अगर, अरे भैया जब जातिगत गणना करा ली थी तो ये 58,000 करोड़ रुपए जो केंद्र के बजट से लेकर गए हैं आप लोग, फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी, जातिगत गणना से ही कल्याण हो जाता। गगन साहब आप लोग जब बोलते हैं ना, थोड़ा सोच समझ कर बोला करिए। 13 करोड़ की बिहार की आबादी है, किसी भी पैमाने पर बिहार इस समय नंबर वन पर नहीं खड़ा हुआ है। आप भी बोलिएगा तो हम जवाब क्या देंगे? अरे तो मैं सवाल पूछूंगी ना गगन साहब, तो बार बार आप 58,000 करोड़ की जो चर्चा करते हैं, वही बात है, कुछ नहीं है वो, पहली बात। दूसरी आप बात के नेता दिल्ली वाले इंडिया गठबंधन के बताते हैं सब दे दिया बिहार में। विकास की योजना उसी ढंग से बनेगी कि जो अभी भी पीछे हैं, अभी भी पिछड़े हैं, उनके लिए उसी ढंग से विकास की योजना बनेगी, उसी आधार पर पैसा का जो सो आवंटन होगा, पैसा जो अब तक जो है संसाधन देश के और राष्ट्र के संसाधन जो है कुछ लोगों तक जो सीमित रहा है, जिसका लाभ कुछ लोगों तक ही मिला है। किन लोगों तक? संसाधन ये कुछ लोग कौन थे? अगर बिहार में 35 सालों से नीतीश कुमार पिछड़े, लालू प्रसाद यादव पिछड़े, राबड़ी देवी जी को और इनको बीच में कुछ समय के लिए एक और चीफ मिनिस्टर बने थे, उनको अगर चार लोगों को छोड़ दिया, माझी जी, माझी साहब, ठीक है, वो दलित जाति से आते हैं, बाकी लोग पिछड़े से आते हैं। चित्रंजन गगन साहब, चित्रा जी, नहीं नहीं, तो चित्रा जी, तो संसाधनों का बंटवारा क्या इन लोगों की ओर से ढंग से नहीं किया गया था? बिहार के लिए जो पैसा जाता था कौन छिपा लेता था? बोल रहे हैं पैसा छिपा लिया जाता था। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने और 1990 के पहले आप प्रशासनिक महकमे में या राजनीति में या आर्थिक स्थिति के आधार पर उस समय का आप मूल्यांकन कर लीजिए। कांग्रेस की सरकार थी में, सुन लीजिए, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। और 2005 में जब आदरणीय राबड़ी जी सत्ता सौंपी नीतीश जी को, उस समय जो पिछड़ों में, अति पिछड़ों में दलितों का जो सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, शैक्षणिक विकास हुआ, वो आंकड़े बता रहे हैं। अरे सर, आंकड़े क्या बता रहे हैं? बिहार में जाकर आप देख लीजिए अलग अलग हिस्सों में वहाँ की क्या स्थिति है। सर आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो मुझे तमाम वो चेहरे याद आते हैं जिनकी रिपोर्टिंग करके हम लोग दर्शकों तक पहुंचाते हैं। नहीं, मैं अरुण राजभर जी, संगीत रागी जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आधे घंटे बीत चुके हैं, एक बार बाकी दो लोग भी बाकी रह जाएंगे, उनकी बात नहीं पाएंगे। एक लाइन बोलिए गगन साहब, 2005 के बाद अगर आज भी बिहार वही पर है तो इसके लिए भाजपा और जनता दल ही जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मैं एक चीज पूछ ली,
विजय उन्होंने कहा कि उनकी राहुल गांधी की जाति पता है, हमें तो नहीं पता है, चितरंजन साहब आपको पता है तो एक बार आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं इसी चैनल पर बताइए ना। अरे आपको शर्म क्यों है? राहुल गांधी जी को शर्म आ सकती है, आपको क्यों शर्म नहीं है? बोलिए ना आप। दूसरी बात, बिहार में सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में यदि अत्याचार हुआ तो दलितों पर हुआ, दलितों की सबसे ज्यादा हत्या हुई उस दौर में, सबसे ज्यादा अत्याचार करवाया तो लालू प्रसाद ने, प्रशासनिक संरक्षण में हत्याएं हो रही थी उस समय। और यही नहीं, चारा किसका था? चारा अमीरों का था क्या? चारा भी तो उन्हीं दलितों के थे, उन्हीं गरीबों के थे जिसका घोटाले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो सजा याफ्ता है। ये गरीबों का ही पैसा था ना, गरीबों की खान और कल्याण की बात कर रहे हैं, इनका पैसा खा के जो है घोटाला किया और आज जो है जेल पर है और यहाँ पर गा रहे हैं कि हम गरीबों को धन की बात कर रहे हैं। किस गरीब की बात आप कर रहे हैं? आप लोगों ने जितना अत्याचार किया गरीबों के अंदर उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर में, उतना अत्याचार पहले कभी नहीं हुआ। चलिए बाकी लोगों को लेकर आते हैं, तो मैं में नहीं फंसेंगे, एक सेकंड से ठीक है। तो फिर भाजपा को भी करवा लेना चाहिए जातिगत जनगणना, क्या दिक्कत है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास, रुकिए, बाकी संगीत रागी जी और अरुण राजभर जी की बात रह जाएगी। संगीत रागी साहब, इतना बेचैनी क्यों है राहुल गांधी की जाति जानने में? अगर जान जाएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा उससे? देखिए, सबसे पहले कि राहुल गांधी की जाति क्या है मुझे भी नहीं मालूम है। उनके दादाजी पारसी थे, उनकी दादी हिंदू थी और भारत की परंपरा के अनुसार उनके पिताजी जो है वो पारसी हुए, माताजी क्रिश्चियन है। अब इसके बाद ये हिंदू हैं और हिंदू समाज में कौन सा इनकी जाति है मुझे तो नहीं मालूम है। कहाँ से अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम है, कहते हैं कि हम कौन ब्राह्मण है ये मुझे नहीं मालूम है। वैसे ही मुझे नहीं मालूम है कि अखिलेश यादव का बेटा जो है या बेटी जो है उन्हें उनकी जाति क्या है। अखिलेश यादव तो यादव परिवार से आते हैं, पत्नी शायद अन्य जाति से आती है, तो उनका बेटा मातृपक्ष पर जाएगा या पितृपक्ष पर जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। वंश परंपरा के अनुसार, भारत के कुल पुत्र परंपरा के अनुसार अखिलेश यादव जी का बेटा जो होगा या बेटी जो होगी वो यादव ही होगी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो इस देश को बारे में नहीं जानकारी है। दूसरी बात, या आप दूसरों से जाति पूछते हैं तो या तो जाति शर्मनाक चीज है, बहुत घटिया है, लज्जाजनक चीज है, और दूसरों से आप जाति पूछ लेते हैं। अखिलेश यादव बहुत चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे आपने जाति कैसे पूछ ली, कोई उनको याद दिलाना चाहिए था कि तुम कौन होते हो जाति जाति के बारे में प्रश्न करने वाले। तुम तो बड़े बेशर्मी से पत्रकारों से पूछते हो कि तुम्हारी जाति क्या है। मिश्रा जी हो, ओ राहुल गांधी कहते हैं फलना जी हो, वो ये जाति है। अरे भाई, तुम इस स्तर पर पहुंच करके लोगों से जाति पूछते हो? यादवी समाजवाद उत्तर प्रदेश में तुम्हारे ही पार्टी ने किया है, और कांग्रेस पार्टी यदि कहती है कि भाई इतने सेक्रेटरी नहीं है तो अपने अपने दादा अपने परदादा के मुख पर कालिक पोथ रही है। यदि काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट यदि पंडित नेहरू ने स्वीकार कर लिया होता तो आज तस्वीर अलग होती। अंबेडकर जो है वो रिजाइन किए कैबिनेट से इसीलिए क्योंकि दलितों का उत्थान नहीं हो रहा था, वह भी एक कारण था। यदि मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो आ चुकी थी, श्रीमती गांधी लागू कर दी हो गई होती तो 10 साल पहले से हो गया था, आज के दिन में सेक्रेटरी ही सेक्रेटरी होते। आरक्षण जो है वो प्रमोशन में कांग्रेस पार्टी नहीं लाई, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, तब तो राहुल गांधी नहीं चीख रहे थे, उनके बाप उनके उनके पुरखे लोग आज क्या मुंह दिखा रहे होंगे। वही राजीव गांधी थे ना जिन्होंने संसद के पटल पर कहा था कि बुद्धों का आलोक मेहता जी ने एक अपने रिपोर्टिंग की है कि राहुल गांधी कैसे हम राजीव गांधी से बात करने गए तो कहा हम आरक्षण देकर के बुद्धों को नहीं लाना है, यानी ओबीसी लोग जो है ये बुद्धों की फौज है। ये राहुल गांधी जी के पिताजी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आज आपसे जाति पूछ दी जाती है, आप जो है क्योंकि इस देश के हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, कल ही धारावी में जैसे कोई मटन काटा जाता है वैसे एक हिंदू को सरेआम दिन में काट डाला गया। अभी यहां पर एक बैठे हुए बंधु कह रहे थे आप हिंदू मुसलमान करते हैं, अरे भाई आप पूरी जाकर के वही आप राजनीति कर रहे हैं, जाति की आप राजनीति करते हैं, जाति के आधार पर आप समीकरण बिठाते हैं, तो आपको लज्जा आती है क्या? जाति आपकी अपनी बताने में यदि जाति लज्जाजनक है, जाति के नाम पर आप बेनिफिट लेते हैं
तो आपको जाति उस समय तो आप जाति बताते हैं ठीक है। तो आपको ये मनोज यादव जी, चित्रंजन त्रागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अरुण राजभर जी एक भी बात नहीं बोल पाए हैं, लेकिन संगीत त्रागी जी आप लोगों की भी जो राजनीति है वो नेहरू जी से शुरू हो जाती है ना। हाँ, आप लोग भी अपनी मतलब अगर आपसे वर्तमान पे सवाल पूछो तो आप नेहरू को लेकर आएंगे, राजीव गांधी को लेकर आएंगे, बिना इन लोगों के तो आप लोगों की बात ही खत्म नहीं होती है। संगीत रागी जी, हम सवाल लेकर के नहीं आ रहे हैं चित्रा जी, आप सोचिए। मैं सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी अपने दादा परदादा के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं पंडित नेहरू को कि यदि आपने आरक्षण जो आज दिया, यदि वो आर्टिकल 15 को यदि उस समय लागू कर दिया होता तो इस देश की तस्वीर अलग होती। आज जो वो कह रहे हैं राहुल गांधी, तो वो किस पर अपने कालिक पोत रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी के मुंह पे कालिक पोत रहे हैं, राजीव गांधी के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं। हाँ। जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा था कि आरक्षण और जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होने देना चाहिए, ये किसकी थी? अपने पीढ़ियों को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी से तो बिल्कुल जाति पूछी जानी चाहिए, उनका धर्म पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के अराजक तत्वों के साथ राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। समाज को जातियों के नाम पर जाति, एक 10 सेकंड नहीं चिता जी खत्म हो जाए, 10 सेकंड मुझे दीजिए। एससी और एसटी कम्युनिटी के तो जातियों की जनगणना हुई पड़ी हुई है, कोई बता सकता है कि जाति के आधार पर एससी और एसटी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? उनको टुकड़े टुकड़े में इससे बड़ा मूर्खतापूर्णक और कोई बात हो नहीं सकती कि जातियों की जनगणना हो जाएगी तब जाकर के सामाजिक नीतियां और आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी। हाँ, जनगणना आवश्यक है, जातीय जनगणना महाव्याहत और बेहूदी किस्म की चाल है, इस देश को विभाजित करने वाली। ठीक है, ये आपका पक्ष है। अरुण राजभर जी, मैं आपके पास आते हुए, उसके बाद चित्रंजन साहब मैं फौरन आ रही हूँ, वो आधे घंटे से बैठे हुए हैं, एक भी बार उनकी बात नहीं हो पाई है। अब अरुण राजभर साहब, अब जाति की पॉलिटिक्स आप भी करते हैं, ये बीजेपी के लोग भी करते हैं, सपा वाले भी, आरजेडी वाले, कोई किसी से कम तो दिखता नहीं है, फिर भी आप लोगों को राहुल गांधी की जाति क्यों जाननी चाहिए? 2017 के चुनाव, गुजरात चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने बताया था ना, वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, तो भी आपको जाति पूछनी है सदन के भीतर? 57 से चुनाव हो रहे हैं और 5 साल पर जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और देश की या प्रदेश की सरकारें बनाती है, और पार्टियां जब बनती है तो वो भी जाति के आधार पर टिकट बांटती है, जाति के आधार पर एमपी एमएलए बनाती है, जाति के आधार पर ही सीटें बांटती है। बात इस बात की है कि जब सरकारें जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए तहसीलों पर प्रमाण पत्र बांटते हैं तो इसमें तो श्री राहुल गांधी जी को जाति प्रमाण पत्र बना करके जनता के बीच में कर देना चाहिए कि मेरी जाति प्रमाण पत्र यह है, मैं सरकार से मांग करता हूँ मेरी जाति प्रमाण पत्र बना दे। इसका मतलब ये जाति छुपा रहे हैं तो वो काका कालिलकर आयोग की रिपोर्ट छिपा रहे हैं, ये डॉक्टर छेतीलाल साथी की रिपोर्ट छिपा रहे हैं, ये मंडल आयोग की सिफारिश को छिपा रहे हैं, और ये जो देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके रोहिणी कुलकर्णी के नेतृत्व में जो रोहिणी आयोग का गठन किया, 2644 जातियों का जो सर्वे किया, उसमें यह बात सामने आ रही है कि 40 साल तक कांग्रेस ने और अन्य जो सरकारें ओबीसी वर्गों के हित में बनाती हैं, इन लोगों ने हमेशा से इन वर्गों के साथ धोखा किया, छल किया, इसीलिए ये जाति छिपाने की बात करते हैं। आप तो खुलकर के बस चिल्लाते हैं, कभी अधिकारियों की जाति पूछ लेते हैं कि ये अधिकारी जाति, क्या उनको आप जलील नहीं करते, उनको अपमानित नहीं करते? आप पत्रकार की छोड़ दीजिए, तमाम उन वर्गों की जाति, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि जाति सच्चाई है, इसको खत्म करने किसी की हिम्मत नहीं है, अगर खत्म करने की हिम्मत हो तो जाति खत्म कर दी, समस्या खत्म हो जाएगी। ये बात लोहिया जी भी कहा करते थे, यार जाति के नाम पर अपमान होता है, जाति के नाम पर सम्मान होता है, अगर जाति के नाम पर अपमान और सम्मान हो रहा है तो फिर उस जातियों के बारे में चर्चा किया जाए जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल भारतीय समाज पार्टी बिहार में, ये बता दें आरजेडी के नेता बैठे हैं, ये बतावें कि रजवार, राजवंशी, राजभर आज भार वहां समाज रहता है, लेकिन कहीं राजनीति की गिनती में नहीं है, सामाजिक स्तर पर कहीं गिनती नहीं, कोई पूछ नहीं है, और उत्तर प्रदेश में 79 ऐसी जातियां हैं, चाहे वो बारिश समाज को ले लीजिए, बंजारा समाज को ले लीजिए, पासी समाज को ले लीजिए, चाहे आप बासपोर समाज के लिए, कहीं राजनीति में इनकी गिनती नहीं होती है। आज उसको गिनती कराने के लिए उसकी सामाजिक भागीदारी, आप उसकी आर्थिक मजबूती करना ही नहीं चाहते, जो मजबूत हो गया है एक बार राजनीति में सामाजिक रूप से, उसी को आप मजबूत करने में लगे हैं, जो कमजोर है उसको मजबूत करने में लगे ही नहीं। यही बात तो हम बार बार कहते हैं कि 27% आरक्षण में जो ओबीसी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, 22% दलित समाज को, 27% पिछड़े वर्ग को मिला है, उसमें कौन मजबूत हुआ? यही तो रोहिणी आयोग कह रही है,
कि 26 से 44 जातियों मात्र 144 जातियां मजबूत हो पाई, बाकी शेष जातियों के साथ अन्याय पूर्व की सरकारों ने क्यों किया। आज यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है तो इस रिपोर्ट पर तो सरकार को चर्चा करनी चाहिए, इस रिपोर्ट पर तो विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए कि नहीं, इस जातियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस जाति का सम्मान होना चाहिए, इस जाति की भागीदारी होनी चाहिए। चाहे आप छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े कर्मचारी स्तर पर देखिए, एक भी राजभर समाज का कहीं दिखाई नहीं देता है। आखिर उसकी कमजोरी आर्थिक रूप से कमजोर है, वो समाज अगर नीचे दबा हुआ तो उसको उभारने के लिए क्या कांग्रेस ने कभी पहल किया, क्या आरजेडी ने कभी पहल किया, क्या समाजवादी पार्टी के नेता तो इधर उधर रहे, राजभर समाज की आवाज उठा देते, बोलते कि हमारे इतने सारे लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व दीजिए। चित्रा जी आपको मैं बताऊं कि 2013 में एक पुलिस की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में 46,410 की, उस रिपोर्ट में 33,000 पुलिस की भर्ती खाली चार जिलों से हुई थी, एटा, इटावा, कासगंज, कन्नौज से हुई थी। और जब इस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट दिया कि इतनी भर्तियां एक चार जिलों से कैसे हो गई, तो उसमें रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि चार जातियों ने अकेले 46,410 पुलिस की भर्ती में भागीदारी पाई है, बाकी शेष जातियों को नहीं मिल पाई है। और तब तक रोक लगाई जाए जब तक ये शेष जातियों को नहीं मिल पाया है, जातियों को लाभ। अरे उसमें खुल करके लिखा था, यादव यदुवंशी इनको ज्यादा मिल गया है, उधर चमार जाटा धुसिया को ज्यादा मिल गया है, बाकी किसी को मिला ही नहीं है। ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट बता रही थी, ये तो मैं नहीं कह रहा था। हाँ। अगर उस रिपोर्ट को ही सरकार ने इम्प्लीमेंट कर लिया होता, यही बिहार की सरकार जो जाति जनगणना की रिपोर्ट बार बार फोकस करके कहते हैं मैंने सीना चीर कर कह दिया कि हमने दे दिया, अगर यही थी होता जब ये गलबहियां करते हुए फिर रहे थे पिछले चुनावों में, तो पलट के पूछा जाएगा ना कि उसी पार्टी से तो समिति की रिपोर्ट इसीलिए लागू कराना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए रोहिणी कमीशन गगन सवाल उठा रहे थे मनोज यादव जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। चित्रंजन गगन जी, जो जाति प्रमाण पत्र है, अब देखिए भैया नौकरी पाने जाएंगे तब भी आपको चाहिए होगा, इंटर से पास हो जाएंगे आगे के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र होगा, हर जगह जाति प्रमाण पत्र बनता है और बताना पड़ता है, फिर सदन में पूछ लिया तो फिर उसको लेकर इतना बवाल, यही तो घूम फिर कर आपसे पूछा जा रहा है ना। और मेरा सवाल सुन लीजिए चित्रंजन गगन जी, देखिए ये बात सच है, जब पत्रकारों से आप पूछेंगे अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हमने देखा, बाकी जगहों पर देखा, उसने अगर पलट कर सवाल पूछ लिया तो पूछ रहे बताओ कौन से जाति के हो, आंखें दिखाई जाती हैं, चलो तुम अपना कैमरा बंद, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रंजन गगन जी, क्या उनका अपना कोई स्वाभिमान नहीं है जब आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जाति के नाम पर, और जब आपसे सवाल पूछ लिया जाता है तो फिर आप लोग उसको गलत ठहराने लगते हैं, ये तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। नहीं नहीं चित्रा जी, कोई भी बात कही जाती है, किस संदर्भ में कही जाती है, कहां पर कही जाती है, उसका अलग अलग अर्थ होता है। अब हमारे दरवाजे पर कोई कर्मचारी अगर आकर पूछ रहा है कि आपकी जाति क्या है, तो वह उसका ड्यूटी है, लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर आप जो है सो जातीय जनगणना पर आपको बोलना है, बोलना आप चाह रहे हैं, तो जातीय जनगणना नहीं हो, पिछड़ों को हक नहीं मिले, अति पिछड़ों को हक नहीं मिले, अब इसको दबाने के लिए, दलितों को हक नहीं मिले, इसको दबाने के लिए आप जो है जो सवाल करता है विपक्ष से, आप कह रहे बताओ तुम्हारा जाति क्या है, या माखौल व्यंग करना, पार्लियामेंट व्यंग करने की जगह नहीं है, तो वही सब को संदर्भ में संसद की कार्यवाही नहीं देखी, या ये बिना पढ़े यहाँ आए हुए, या तो इन्होंने संसद की कार्यवाही नहीं कल परसों देखी है, तब ये इस तरह की बात कर रहे हैं। जब उसी रिश्ते की बात करते हुए, जब वो हलवा बांटते समय लोगों से उन्होंने पूछा कि इनकी जाति क्या है, तो वो किसकी बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे। शर्मा जी अनुराग जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, चित्रा जी नहीं, नहीं अनुराग जी ने तो नहीं लिया, अनुराग जी ने तो ना राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, ये आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया। लेकिन जब आप उड़ता तीर अपने ऊपर लेकर ये कह रहे हैं कि मुझे गाली दी जा रही है, तो फिर तो आपसे पूछा ही जाएगा। नहीं नहीं, आप प्रधानमंत्री को जाति का सर्टिफिकेट देते हैं, नहीं नहीं शर्मा, राहुल गांधी ये राहुल गांधी क्या भाषण का ये पार्ट है, आपका इसका आंसर भी बताता हूं। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ओबीसी नहीं है, कौन होता है राहुल गांधी ये कहने वाले,
गगन साहब किसने दिया उनको ये कहने के लिए जो है ताकत? यह सच्चाई आप दूसरों को ओबीसी है नहीं है का सर्टिफिकेट बांटेंगे, आपसे आपकी जाति पूछ ली जाएगी, आप जो है गाली आपको लग जाएगी, आपको दूसरे की जाति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार है? आपने कैसे कहा प्रधानमंत्री की जाति के ऊपर? आप उन पर प्रश्न उठाएंगे? उनको बोलने दीजिए, दो लाइन में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो बाहर से है, उनकी आवाज नहीं आएगी वाली उंगली का, ठीक है? आप सहने की ताकत भी गगन साहब, उसके बाद मनोज यादव जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए गगन साहब अपनी बात खत्म करें। देखिए शर्मा जी जिस लहजा में शब्दों को रख सकते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मैं उस लहजा में नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा कि कोई भी सवाल कहने का समय और संदर्भ से उसका प्रधानमंत्री को जाति का सर्टिफिकेट होने का अधिकार है आप लोग को? आप लोग देंगे सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री जी को? आपको सर्टिफिकेट देगा मोदी जी को सर्टिफिकेट देंगे कि ओबीसी आया नहीं है? दाढ़ी लेते हैं, ये राहुल गांधी ने तब दिया था, तब आपकी बोलती क्यों बंद? किसने दाढ़ी दिया? इतने लंबरदार बने हुए उनके, बताइए कि उस समय आपकी आप लोगों की बोलती क्यों बंद थी जब उनने कहा प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी लेते हैं? ठेकेदारी किसने दिया आपको? चलिए मनोज यादव जी बहुत देर से नहीं आ पाए हैं, मनोज यादव जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपका। अब जाति पर ही चलेगी राजनीति इस देश की, और जब पलट के पूछा जाएगा अपनी बताइए तो फिर नहीं बताएंगे। हाँ बड़े सवाल उठा दिए गए, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए जब देश आजाद हुआ तो दो जातियां इस देश में सबसे ज्यादा गूंज रही थी, एक महात्मा गांधी की जाति और एक गोडसे की जाति, जब उनकी हत्या हुई तो गांधी नेहरू परिवार ने गांधी जी को अपने पास ले लिया। एक मिनट जाइए, एक मिनट, हमने तो किताबों में पढ़ा है कि जब देश आजाद हुआ तो दो ही जातियां थी देश में, एक अमीर और एक गरीब। से का सरनेम बीजेपी ने अडॉप्ट करना था, नहीं अडॉप्ट किया। और जो राजभर साथी कह रहे हैं इतनी देर का ज्ञान बताने के बाद एक बार भी जाति जनगणना की बात नहीं कर, अरे भैया हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि तुम्हारे राजभर सब गायब हो जा रहे हैं, हमने तो प्रतिनिधि दिया है, हमारे सांसद भी बने, तुम्हारे सांसद भी नहीं बन पाए, अपने घर में पांच लोगों को लड़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा लोग परिवार के पांच लोगों को लड़ा दिया, जो खोए हुए हैं, भूले बिसरे हुए हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उन लोगों को आगे लाया गया। अगर आप नहीं चाहते तो ये बात बता दीजिए कि हम नहीं चाहते हैं, मनोज यादव, हम इन लोगों को आगे नहीं लाना। जल्दी से एकदम स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, 2011 में जब जनगणना हो गई, 2014 तक यूपीए 2 की सरकार में आप लोग भी थे, वो आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया? समाजवादियों की मांग पे ही जाति जनगणना हुई थी, जिसने नहीं जारी किया आज सवाल तब भी मांग ही कर रहे थे, आज भी मांग ही कर रहे हैं, लेकिन मांग से आगे जब संसाधन इतने खर्च हुए देश पर और वो आंकड़े सामने आ गए थे, उसके बावजूद वो आंकड़े जारी क्यों नहीं किए गए? ये सवाल बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इस देश में जाति है कि जाति ही नहीं, और हर एक दल इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉलिटिक्स करता हुआ चला जा रहा है। अब देखना होगा जाति की ये पॉलिटिक्स क्या इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी, या इसकी धार आगे आने वाले वक्त में थोड़ी कुंद भी होगी। जो भी रहेगा आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।